ये देखिए यहाँ पर मैंने 18 फंदे लिए हैं, 14 फंदे 7 के मल्टीपल से लिए हैं, दो बार 7-7 फंदे लिए हैं तो 14 फंदे हो गए, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, दो फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए 16 फंदे, दो फंदे एज स्टिच के लिए, तो 18 फंदे नीचे से बेस देने के लिए दो रौ उल्टे फंदों के साथ निकाल ली है। तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को डालना है तो 7-7 के मल्टीपल से फंदे लेंगे प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं पहली रौ सीधी साइड। ऐसे स्लिप करेंगे, स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, फिर जाई डालेंगे, सॉरी स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे बुनेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा ट्विस्ट करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, अब पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच जाई डालेंगे। आगे के तीन फंदे छोड़कर यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, पांच फंदे सीधे जाई डाली, ये हमारा 7 फंदों का पैटर्न है, 2 4 6 7। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे तो फिर से देखिए, एक फंदा ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, हम पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच जाई डालेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे दो पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट में एस स्टिच है, सीधा बुन लेंगे। पहली रॉ कंप्लीट हो गई है, दूसरी रॉ रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, हर बार रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ ही बुनेंगे। तीसरी रो सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार चाई डालेंगे, एक फंदा सीधा। ये देखिए यहाँ पर मैंने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, चार फंदे सीधे जाई डाली, एक फंदा सीधा। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे तो फिर से देखिए, एक फंदा ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, एस्टिच सीधा बुनेंगे। तीसरी रॉ कंप्लीट हो गई है, चौथी रॉ रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। पांचवी रो सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे, एक दो, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, तीन फंदे सीधे जाई डाली, दो फंदे सीधे। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए, एक फंदा ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, एस्टिच सीधा बुन लेंगे। पांचवी रॉ कंप्लीट हो गई है, छठी रॉ रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे।
सातवीं रो है सीधी साइड, एस्टे स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, चाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। ये देखिए यहाँ पर मैंने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, दो फंदे सीधे, जाई डाली, तीन फंदे सीधे। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, एक दो, जाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, स्टिच सीधा बुनेंगे। तो देखिए सातवीं रो कंप्लीट हो गई है, आठवीं रो रॉन्ग साइड, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। नौवीं रो सीधी साइड, एस्टे स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। ये देखिए यहाँ पर मैंने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, एक फंदा सीधा, जाई डाली, चार फंदे सीधे। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, स्टिच सीधा बुनेंगे। नौवीं रो कंप्लीट हो गई है, दसवीं रो रॉन्ग साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। ग्यारहवीं रो है सीधी साइड है, एस्टे स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, जाई डालेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच। ये देखिए यहाँ पर मैंने बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बुना, जाई डाली, पांच फंदे सीधे बुने। फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो देखिए बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, जाई डाली, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, ऐसे सीधा बुनेंगे। ग्यारह रो कंप्लीट हो गई है, बारह रो रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। स्टिच भी उल्टा ही बुनेंगे। तो देखिए 12 रो कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से यही 12 रो ऊपर रिपीट करेंगे, लेकिन इस पैटर्न को शफल करेंगे। तो पहले हमने इस पैटर्न को लेफ्ट टू राइट वे बनाया था, इस साइड को इस साइड में, अब राइट टू लेफ्ट वे को बनाएंगे इस साइड से इस साइड में। तो देखिए 13 रो सीधी साइड, एस्टे स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो पहले जाई डालेंगे, देखिए पहले जाली डालेंगे, अब पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो देखिए यहां से यहां तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने जाली डाली, पांच फंदे सीधे बुने, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुना। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, जाली डालेंगे, अब पांच फंदे सीधे, एक दो
तीन चार पाँच, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। तो यहाँ से यहाँ तक दो पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो स्टिच सीधा बुनेंगे। 13 रॉ कंप्लीट हो गई है, 14 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 15 रॉ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक फंदा सीधा बुना, जाली डाली, चार फंदे सीधे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे तो देखिए एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो स्टिच सीधा। 15 रॉ कंप्लीट हो गई है, 16 रॉ रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए 17 रॉ हैं सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। दो फंदे सीधे, एक दो चाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो फंदे सीधे बुने, जाई डाली, तीन फंदे सीधे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुना। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो जाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो स्टिच सीधा बुनेंगे। तो देखिए 17 रॉ कंप्लीट हो गई है, 18 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। उन्नीस रॉ सीधी साइन एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने तीन फंदे सीधे बुने, जाई डाली, दो फंदे सीधे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुना। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो स्टिच सीधा बुनेंगे। 19 रॉ कंप्लीट हो गई है, 20 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। इक्कीस रॉ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। चार फंदे सीधे, एक
दो तीन चार जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने चार फंदे सीधे बुने, जाई डाली, एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो एस्टिस सीधा। 21 रॉ कंप्लीट हो गई है, 22 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। तेईस रॉ सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच जाई डालेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। ये देखिए यहाँ पर मैंने पांच फंदे सीधे बुने, जाई डाली, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुना। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच जाई डालेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा। लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो एस्टिच सीधा। तो देखिए 23 रॉ कंप्लीट हो गई है, 24 रॉ रॉन्ग साइड उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 24 रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है। तो फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी 1 to 24 रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, लेडी शर्ग में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के स्वेटर में। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे पैटर्न्स अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए नए पैटर्न लेकर, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।